शहर में आरोपियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर यह दिन दहाड़े हवाई फायर करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और जानलेवा हमला करने में भी जरा भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। घटना का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है और जिसमें आरोपी द्वारा खुलेआम फायरिंग की जाती है और इससे तो यही लगता है कि आरोपियों को कोई भय नहीं है और वहां कुछ भी कर सकते हैं। जहां पर यह मामला टीकमगढ़ आरटीओ ऑफिस के पास का है, जहां पर आरोपियों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस सलाहकार बंटी गोस्वामी पर मारपीट कर हमला करने का प्रयास किया गया। हालांकि घटना में बंटी गोस्वामी सुरक्षित रहे और उनके द्वारा बताया गया कि वह आरोपियों को काफी लंबे समय से जानते हैं। आरटीओ विभाग में उनके कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा मेरे साथ बहसबाजी एवं गाली गलौज की गई और उनके द्वारा हवाई फायर भी किया गया। दूसरे फायर का निशाना उन्हें बनाया जा रहा था, जिससे वह बाल बाल बच गए, जिसके बाद बंटी गोस्वामी द्वारा देहात थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं मामले में देहात थाना प्रभारी नासिर फारूकी ने बताया है कि फरियादी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो आइए मामले की जानकारी के लिए बात करते हैं टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता के साथ। तो मनोज जी बताओ, फिर क्या है पूरा मामला? मैं आपको बता दूं कि आरटीओ ऑफिस में जैसे ही आरटीओ विभाग की कर्मचारी वहाँ पर काम कर रही थी, तो कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर पहुंचे, उसी की फाइलिंग करने लगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब कानून इतना जो होना चाहिए पुलिस वालों के साथ, लेकिन पुलिस ने जिसके ऊपर शिकायत की गई है, जिसने गोली चलाई है, उसको कम से कम 4-5 घंटे बाद उसकी सुनाई हो रही है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, मैं तो जानना चाहूंगी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आरटीओ ऑफिस के पास में ये गोलीकांड हुआ या फिर हम कह सकते हैं कि फायरिंग की गई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मामला निकल के सामने आ रहा है कि किस मामले को लेकर इस फायरिंग को अंजाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लोग आए थे उन्होंने जबरदस्ती तरीके से लाइसेंस बनवाने की एवज में उनसे डिमांड की और वो डिमांड पूरी नहीं कर सके, जिस कारण को लेकर के वहाँ पे पहले वातावरण हुआ, गाली गलौज हुआ, इसके बाद वहाँ पे सीधे इन्होंने रिवॉल्वर निकाल के और फायर करने लगे। जी बिल्कुल मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से हम बात करें लाइसेंस सलाहकार बंटी गोस्वामी की, तो उनका कहना यह पड़ रहा है कि वे लंबे समय से या फिर पहले से इन आरोपियों को जानते हैं, तो इसको लेकर के क्या बात सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं कि पहले भी वो आरोपी जो जिनका नाम ले रहे हैं, वो आरोपी कई बार वहां पर काम करवाने के लिए आए, लेकिन कल अचानक ऐसी घटना घटित हुई कि जहां पे उन लोगों को लाइन के ऊपर फायर करना पड़ा। जी बिल्कुल मनोज जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से हम बात करें इस पूरे फायरिंग की जो कांड हुआ है, फिर घटना हुई है, अब उसके बाद ये जानना चाहूंगी पुलिस प्रशासन की ओर से इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद किस तरीके की कार्यवाही की बात सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं पुलिस का नजरिया अलग से देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जिस व्यक्ति का वीडियो भी वायरल हो रहा है, खुलेआम रिवॉल्वर लहरा रहा है, फायरिंग भी कर रहा है, उसको तुरंत नहीं करके आरोपी तक के 2 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट ली जाती है और जांच के लिए जो पहले से चलता आ रहा है टीकमगढ़ पुलिस का रवैया के काम करने की अपेक्षा केवल बातें करने में लगी है, तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपसे यूं ही बात करते रहेंगे, धन्यवाद। मामला आज साउथ दोहरा के उनके भाई जी कुछ फाइलें पड़ी हुई थी आरटीओ साहब निरंतर गायब रहते हैं, चक्कर में वो फाइलें हो नहीं पाई, उस चक्कर में वो हमारी दुकान पे आए और ऑब्जर्व की बात की, गाली गलौज की। हमने कहा आप गाली न दें, कृपया आपकी गाली देने से आपके प्रकरण को सॉल्व थोड़ी हो पाएगा। तो तमाम बातचीत होने के बाद फिर उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कमरे से कट्टा निकाल के मेरे को फायर किए। उनका भाई और एक साथ में उनका साथी राहुल ठाकुर भी था, और इस घटना से मैं बड़ा शुभ हूँ। टीकमगढ़ के अंदर ये नई घटना है जिसमें खुलेआम गोलियाँ चलाई जा रही हैं, अपराधियों को किस किस का संरक्षण है ये जांच का विषय है, और मैं चाहता हूं कि इस मामले में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे और मुझे न्याय। सर कितने लोग थे वो लोग, उनका मामला क्या था, उनके पास क्या फाइलें पड़ी हुई थी आपकी, ये सब डिटेल में तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, बट गोली चलना एक निंदनीय घटना है,
कारण गोली चलाने के पीछे कोई दुर्गस्त कारण होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। गोली आदमी साधारण किसी बात पे थोड़ी एकदम गोली चला देगा। तो रीज़न जो वो है, वो जब पकड़े जाएंगे तो सतह बताएंगे। कितने लोग थे सर? वो तीन व्यक्ति थे आगे और उनके पीछे 8-10 लोग और मोटरसाइकिल से थे। वो एक गाड़ी से आए थे अर्टिगा से, जो उनकी खुद की है। और ये मैं उनको पिछले 10-5 साल से जानता भी हूँ, क्योंकि वो पहले मेरे पास काफ़ी आते भी थे। सर हथियार सभी लिए हुए थे कि एक ही लिए हुए था? मैंने दो लोगों को देखा था हथियार के साथ, उन्होंने गोली चलाई। बाकी इस घटना के लिए आए थे तो हथियार तो लगभग सबके पास होने ही चाहिए। धन्यवाद। ठीक सर, ठीक। बंटी गोस्वामी टीकमगढ़ के निवासी, जिनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है। प्रवेश साहू, आजेश साहू और राहुल ठाकुर द्वारा इनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने के लिए ऐसे इनके ऊपर फायरिंग की गई। इस पर धारा 307 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। संभवतः जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर ये बताया जाए, राहुल सिंह ठाकुर ये पुराना अपराधी है? लिधौरा से हम संपर्क करके, लिधौरा थाने संपर्क करके उसकी जानकारी मंगाएंगे। अपराधी रिकॉर्ड है तो व्हाट्सएप कार्रवाई करेंगे। घटना का सर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, इसे फायरिंग करते हुए की दिखाई दे रही है, उसमें आपके पास सबूत के तौर पर क्या हुआ है? वीडियो वायरल हम देखकर उसमें जो भी जानकारी है उसको उसके आधार पर, और अगर कोई अन्य आरोपियों के नाम बढ़ाए जाते हैं तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।